तो वीडियो देख रहे सभी भाई को राम राम। और श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो भाई कल जब तक हम यहाँ शेषनाग पहुँचे तो रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, तो इसीलिए ज़्यादा मैं फिर वीडियो शूट वगैरह नहीं कर पाया। लेकिन अब हम गए रेडी शेषनाग से आगे बढ़ने के लिए। लेकिन शेषनाग से आगे बढ़ने से पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है हमारा टेंट। देखो ये पीछे दिख रहा है, ये हमारा टेंट है और टेंट के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखो भाई और क्या है, पूरे बर्फ से ढके हुए पहाड़, पूरे बर्फ से ढके हुए पहाड़। और ये हमारा टेंट है और ये सब लोग हो गए रेडी। शर्मा जी रेडी हो गए और बस अब हर हर महादेव बम बम भोले। तो अब हमें बस नाश्ता करना है, थोड़ा सा लेट हो गए, टाइम अभी हो गया है 7:30। वो कल रात को थक बहुत ज़्यादा गए थे, फिर एक मिस हैपनिंग भी हो गई थी जो मैंने आपको बताई भी थी पिछली वीडियो में, और थक ज़्यादा गए थे, मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी वजह से हमने क्या किया है कि हमने एक पिट्ठू कर लिया, जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान है वो सारा हमने एक बैग में भर दिया और उस पिट्ठू को दे दिया है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे ऑलमोस्ट बिना सामान के, क्योंकि सामने जो है अब जो हमें जाना है वो गणेश टॉप पहुँचना है, बाबल और फिर गणेश टॉप। तो गणेश टॉप तक की जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी चढ़ाई है, मतलब 6 किलोमीटर है लगभग, और 6 किलोमीटर एकदम स्टीप चढ़ाई है, तो उसमें मतलब ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए हमने जो है वो जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा सारा पिट्ठू दे दिया। और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करके फिर बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ का भंडारा है और सब लोग फटाफट नाश्ता करने में लगे हुए हैं ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ से एग्जिट लेकर के वो आगे के लिए बढ़ जाए। हमने नाश्ता कर लिया है लेकिन हम वेट कर रहे हैं पान सिंह की, उसको थोड़ा प्रेशर आ गया तो प्रेशर हल्का करने के लिए गया हुआ है। अब यहाँ से आगे जाने के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं कि प्लीज़ वॉक स्लोली एंड टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड इन्जॉय योर यात्रा। अब ये जो आगे की जो चढ़ाई है वो बहुत ही स्टीप है, तो इसीलिए यहाँ पर एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर नीचे असिस्टेंस के लिए इन्होंने नंबर भी दिए हुए हैं, तो अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे कॉल करके हेल्प के लिए बात की जा सकती है। तो यहाँ से चढ़ाई करते टाइम अब आगे ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हम रेस्ट ठीक ठाक लें और स्लोली चलें, बहुत ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश ना करें। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गणेश टॉप के लिए, तो उससे पहले आएगा बाबल और फिर उसके बाद गणेश टॉप। तो और ये मेरे पीछे का व्यू देखो आप, सारे यहाँ पे घोड़े लगे हुए हैं एमजी टॉप के लिए। कितने पैसे लगे भाई घोड़े के, हैं कितना कितना? 850। नहीं यार, तो ये नीचे वाले रास्ते पे जाना है, ऊपर वाले रास्ते पे जाना है, नीचे वाले जाना है तो ऊपर वाले से घोड़े पर बैठना। तो ये आगे दो रास्ते दिख रहे हैं, नीचे वाले रास्ते पे घोड़े जाएंगे और ऊपर वाले रास्ते पे हम लोग जाएंगे। ये देखो अभी हम शेषनाग से मुश्किल से 200-250 मीटर ऊपर आए होंगे और इतनी दूर में दो बार रुक चुके हैं, एकदम खड़ी चढ़ाई है और हर 4-5 मिनट में सांस फूल रहा है बुरी तरह से। खच्चर वाले खच्चर लेकर जा रहे हैं ऊपर, तो भाई मेरे ऊपर चढ़ेगा तो भाई ये 300 मीटर में हमारा तीसरा स्टॉप था,
और गर्मी लगने लग गई तो मैंने अपनी ये स्वेटशर्ट उतार के नीचे बांध लिया और ये फेस मास्क पहन लिया ताकि सनबर्न नहीं हो, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। सुबह तो मौसम ठंडा था लेकिन अभी मौसम, क्योंकि धूप है तेज़, तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो एकदम स्टीप चढ़ाई है और हमें वो सामने वाले जो जो सामने जो टॉप दिख रहा है उस पर जाना है। ये एकदम पतला सा रास्ता है और ये इतनी स्टीप ढलान है नीचे। ये देखो मेरा पैर यहाँ पे और यहाँ से ये इतनी स्टीप ढलान है। तो इस चढ़ाई का जो सबसे टफेस्ट पार्ट है वो यही है, यहाँ से गणेश टॉप ये पार करने के बाद। फिर स्लोप बहुत ही जेंटल है तो उसको चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और भैया थोड़े थोड़े दूर पर ऑक्सीजन बूथ बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है और यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एयर प्रेशर बहुत कम है। क्योंकि हम यहाँ पे शेषनाग में 12,500 फीट से सीधा लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई में जाएंगे, तो लगभग लगभग 2,500 से 3,000 फीट का ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन इनहेल करने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पर इसीलिए ऑक्सीजन बूथ बने हुए हैं। ये भाई इस पूरी वैली का व्यू देखो, क्या मस्त लग रहा है। नीचे एक टेम्प्रेरी ब्रिज बनाया हुआ है, नीचे से नदी बहती हुई आ रही है, गजब का व्यू है। यहाँ लोगों से अपना अपनी चला जा रहा, खच्चरों बैठ बैठ के जा रहे हैं। और ये देखो भाई पिट्ठू इतना इतना सारा सामान लाद के और शॉर्टकट मार रहे हैं स्टीप चढ़ाई पे। गणेश टॉप तक की जो चढ़ाई है ये टफ इसलिए है कि एक तो स्टीप स्लोप है और फिर इधर कोई साइड में रेलिंग नहीं है। अगर यहाँ पे बैलेंस बिगड़ा तो सीधा नीचे खाई में। ये देखो और एक बार गिरने के बाद हड्डियाँ मचनी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक और स्टॉप लिया है और चढ़ाई जैसे मैंने दिखाया ना आपको वो नीचे से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और अभी आगे कम से कम मेरे ख्याल से 2.5 या 3 किलोमीटर रह गया होगा, 2.5 किलोमीटर। चढ़ाई हमने स्टार्ट की थी 8:15 के आसपास, अभी 10:30 हो रहे हैं और इतने टाइम में हमने मतलब लगभग 2 घंटे 2.25 घंटे में हम 2 किलोमीटर आए होंगे, करीब तक 2-2.5 किलोमीटर। तो ऐसे धीरे धीरे चलेंगे और ऐसी जगह पे ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जब स्टीप चढ़ाई है तो फिर ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पर जा रहे हैं तो एयर प्रेशर कम होता जा रहा है और फिर ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बॉडी का डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन पहाड़ों में कम होती है, ऑक्सीजन उतनी है, बस एयर प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ब्रेक हमारा ओवर हो गया तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से वाबल रह गया है 0.5 किलोमीटर और गणेश टॉप रह गया यहाँ से 2 किलोमीटर, तो वाबल पहुँचने वाले हैं। वाबल पहुँच के थोड़ा सा ब्रेक लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई हम पहुँच गए वाबल और ये ऊपर जो नीले नीले टेंट दिख रहे हैं ना, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये है गणेश टॉप। ये
ये गणेश टॉप का डिस्टेंस कितना होगा? 1.5 किलोमीटर है बस। 1.5 किलोमीटर तो भाई गणेश टॉप का डिस्टेंस यहाँ से रह गया 1.5 किलोमीटर। तो अभी रुकते रुकते चलेंगे वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो ये बाबल में एक लंगर है, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे, पानी वानी पियेंगे और 5-10 मिनट रुक के फिर आगे की चढ़ाई करेंगे। ये देखो ये बाबल का 360 व्यू, आइस कैप माउंटेन्स और जगह जगह बर्फ जमी हुई है, और वो जो नीले टेंट दिख रहे हैं वो है गणेश टॉप। वहाँ पे हमें जाना है, ये करीब 1.5 किलोमीटर रह गया यहाँ से। भाई ऊपर चलने में हालत ख़राब हो रही है, और एक दिक्कत और हुई कि मैंने खीर खा ली, खीर बड़ी गंदी थी, चावल कच्चे थे और देखने में ठीक लग रही थी, तो मैंने उसको बोल दिया तू एक चम्मच और डाल दे, उसने डाल दी, खानी भारी पड़ गई। अब फेंक सकते नहीं यहाँ पे, क्योंकि लंगर का खाना फेंकोगे तो 500 रुपये जुर्माना, वैसे ज़बरदस्ती खानी पड़ी। लेकिन अब पेट में जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूँ वो खीर जो है उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। हाँ जी, बढ़िया चल रहा है एकदम। और शर्मा जी पूरे डैमेज हुए पड़े हैं, लेकिन खच्चर करने को तैयार नहीं हो रहे। ये गणेश टॉप तक के जो खच्चर वाले हैं ये बोल रहे हैं 300 रुपये, और शर्मा जी अड़े पड़े 100 रुपये पे और चलने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे। हाँ शर्मा जी, कर लें खच्चर? बिल्कुल, लेकिन यहाँ से 100, वहाँ से 150 को 50 रुपये, हाँ थोड़ा ऊपर चल के 40, हाँ और जो वो हरे टेंट तक पहुँच गए तो फिर कितने? वहाँ से तो फ्री है, वहाँ तक फ्री से शर्मा जी खच्चर वालों से मजे लेते हुए जा रहे हैं यहाँ पे। खच्चर वाले बोलते 300, ये बोलते थे 100। तो भाई पान सिंह जी बता रहे हैं एक शॉर्टकट यहाँ से। वैसे तो हमें जाना है वो नीले टेंट जहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ, और वहाँ के लिए रास्ता जा रहा है इधर से ये सीधा सीधा। लेकिन पान सिंह जो है वो बता रहा है कि पत्थरों के ऊपर से होकर के सीधा शॉर्टकट मारो वहाँ। तो ये जो हमने शॉर्टकट मारा ना, यहाँ पर इस ट्रैक पर हमें मिली है पहली बर्फ़, और ये पान सिंह जी फुल बर्फ़ से मजे लेते हुए बर्फ में खुदाई कर रहे हैं। अरे भाई, इतनी है बस, फंस गया इतनी है। तो ये भी एक फुट होगी कम से कम। तो ये एक फुट करीब बर्फ यहाँ पे जमी हुई है अभी भी। तो यहाँ से हम शॉर्टकट मार के जा रहे हैं नीचे पत्थरों से ऊपर, पत्थरों के ऊपर चलते हुए। देखो शॉर्टकट मारना खतरनाक हो सकता है, लेकिन एडवेंचर अगर करना है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क ले ही सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये देखो आर्मी पोस्ट खाली पड़ी, तो पान सिंह ने पूरा कब्जा कर लिया उसके ऊपर। ये यहाँ पे काम चल रहा है ट्रैक बनाने का, क्योंकि यहाँ का रास्ता है बहुत ज़्यादा ख़राब। यहाँ पे नया ट्रैक बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा चढ़ने में आसानी हो। और अभी गणेश टॉप हमारा रह गया है शायद 750 मीटर, इतना ही होगा। तो अभी अगले 20 मिनट में शायद पहुँच जाएंगे हम। Thank you.
पहुंचने देना स्टॉप, और वो नीचे बाबल उधर से आए, और अभी टाइम हो रहा 12:15। यहाँ तक पहुँचने में हमें करीब करीब 1.25 घंटा लग गया, क्योंकि हम रेस्ट लेते रहते थे। ये हम ऑलमोस्ट गणेश स्टॉप पे पहुँच गए, और यहाँ पे ये थोड़ी बहुत बर्फ़ है। अभी जनवरी के शुरू में तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये थोड़ी थोड़ी सी रह गई है, और ये पूरी मिट्टी में गंदी हो चुकी है। वो है ऊपर गणेश स्टॉप। तो भी ये हम पहुंच गए गणेश स्टॉप, और गणेश स्टॉप जो है ये इस अमरनाथ यात्रा का हाईएस्ट पॉइंट है। ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर है लगभग, और अब यहाँ से पूरा लगभग नीचे जाना है। थोड़ा बहुत बीच में आएगा जो चढ़ने का आएगा पॉइंट, नहीं तो बीच में ज़्यादातर वो नीचे ढलान है। लेकिन अभी पंचतरणी यहाँ से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है जो हमें शाम तक कवर करना है। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन बढ़ने से पहले गणेश टॉप का एक 360 व्यू। अभी यहाँ से पूरे नीचे ढलान है। अभी हम यहाँ पे लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पे हैं, और यहाँ से पूरी नीचे ढलान ही देखो। अब यहाँ से हमें जाना है 12,500 फीट की ऊंचाई पे, यानी कि जितनी ऊंचाई पे अभी हम हैं उससे लगभग 2,500 से 3,000 फीट नीचे। तो अभी पूरा स्लोप नीचे की तरफ ही आएगा, तो अब इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब पोष पत्री यहाँ से रह गया है 2 किलोमीटर, और पंचतरणी 10 किलोमीटर। सही है, बहुत बढ़िया, आराम से। भैया क्या तो निकलो, क्या बात है, टॉप पे बिल्कुल। बस आगे नहीं जाना। हाँ, रेडी, गुड। यहाँ डंडा गाड़ना रखते समय डंडे से रुकोगे? क्या बात है भाई, मजा आया। ये देखो पूरा, नहीं मजे ही लेता तो बनता यार। तो ये ऑलमोस्ट हम यहाँ पोष पत्री पहुँच गए शॉर्टकट मार के, और यहाँ का व्यू देखो, ये चारों तरफ भीड़ चल रही है। तो भाई अब हम पहुँच गए पोष पत्री,
और आज का हमारा स्टे होगा पंचतरणी में, तो पंचतरणी यहाँ से 8 किलोमीटर है आगे, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे चलते हैं। तो भाई मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ पोषपत्री पे, इधर भंडारा है, यहाँ पे 5 मिनट रुकेंगे, और जो मैंने पिट्ठू किया हुआ था अभी बाकी बंदे पिट्ठू के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन भाई मेरा बैग भारी है तो मैं तो पिट्ठू कंटिन्यू करूँगा, तो मैंने 700 रुपये में पिट्ठू के लिए बोल दिया है, और ये पंचतरणी तक पिट्ठू लेकर मेरा सामान लेकर के जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी जा कर के मेरे बैग में जो जो सामान इनका आया है सब निकाल के दे दूँगा, और फिर ये अपना अपना सामान ढोएंगे और पिट्ठू मेरा सामान लेके जाएगा, ठीक है। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो भाई हमने पोषपत्री क्रॉस कर लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं पंचतरणी के लिए, और आज का स्टॉप जो रहेगा हमारा पंचतरणी में रहेगा। तो अभी बज रहे हैं 3 और हमारा टारगेट है कि हम 6 बजे तक पंचतरणी पहुँचे, यानी कम से कम 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हालांकि हमारी स्पीड बहुत स्लो रही है, स्लो रहने का कारण एक तो ये है कि अभी हम मैं और पान सिंह फ़ोटो और वीडियो वगैरह बनाते रहे तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, लेकिन अब कोशिश करेंगे थोड़ा स्पीड से आगे चलने की क्योंकि मौसम ख़राब होता जा रहा है। ये देखो आप आसमान में बादल छाए हुए हैं, ये चारों तरफ बादल आ गए आसमान में, तो बारिश हो सकती है, बारिश होने की पूरी संभावना है, तो इसलिए अब बिना ज़्यादा रुके हुए फटाफट ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। वो जो नीचे छोटे छोटे टेंट दिख रहे हैं ना, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये है पंचतरणी। तो आज का स्टॉप हमारा ये भी रहेगा, और ये जो डिस्टेंस है ये लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है, तो वैसे तो पूरी ढलान है नीचे। अब इसको इस डिस्टेंस को कवर करते हैं फटाफट, टारगेट ये है कि 5 बजे तक हम वहाँ पहुँचें। टारगेट पहले तो मैं 6 बजे का रखा था, लेकिन अब लग रहा है कि जल्दी पहुंच जाएंगे, तो देखते हैं कितने टाइम तक पहुंचते हैं। उम्मीद है 5 से 5:30 के बीच पहुंच जाएंगे वहां पे, तो बस वहां पे टेंट लेना है, टेंट लेकर के आज रेस्ट वहीं पे करेंगे, और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे पवित्र गुफा की तरफ जो कि यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर है। तो भाई हम यहाँ पहुँच गए हैं पंचतरणी, और मुझे यहाँ पर अपना पिट्ठू ढूंढना है जिसको मैंने बैग दिया था, वो इधर ही बैठा, बैग तो ये रहा। मैं तेरे को देखा था भाई। तो ये पंचतरणी में पहुंच के हमने टेंट कर लिया, और हाँ ये हमारा वीआईपी टेंट। अब वीआईपी टेंट में यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या है। वीआईपी टेंट में चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, उसके साथ में ये एक मल्टीप्लग एक्सटेंशन वायर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बिजली 7 बजे आएगा और 12 बजे चला जाएगा। तो ये जो हमें अपने फ़ोन बैटरी बैंक सब कुछ चार्ज करना है, ये इस 5 घंटे के अंदर अंदर करना है, और इसी 5 घंटे में सोना भी है क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठना है, और जल्दी उठ के 5 बजे रेडी होकर के यहाँ से निकल जाना है। 5 बजे यहाँ से मतलब आगे के लिए एंट्री दे देते हैं, ठीक है। और पिट्ठू को भी मैंने कर दिया कल सुबह के लिए, तो कल सुबह के 5 बजे यहाँ से हमें निकलना है। बाकी ये हमारा टेंट, ये पान सिंह जी बैठे हुए हैं, ये कंबल वंबल ये सब,
तो ये हमारा VIP टेंट है। और पेमेंट करनी है हमें ये चाचा को,